बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियर मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2, उसी मॉडल को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ करियर एक्सप्लोरेशन ऑन करियर मैनेजमेंट की। जो करियर एक्सप्लोरेशन का पहला एक स्टेप था वो करियर मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करता है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टन डिफरेंट रिसर्चेस और उसी को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और देन इसका इम्पैक्ट देखने की बात करेंगे कि हमारे गोल्स के ऊपर क्या हो सकता है। रिसर्च यहाँ पे सजेस्ट करती है कि करियर एक्सप्लोरेशन के कई बेनिफिशियल इफेक्ट्स आते हैं करियर मैनेजमेंट के ऊपर। करियर मैनेजमेंट अगर हमें याद हो तो दैट वॉज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम करियर के गोल्स, करियर की स्ट्रैटेजीज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को और इवैल्यूएशन को देखते हैं कि क्या हमने उन गोल्स को अचीव किया या नहीं। सो द मोस्ट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करियर एक्सप्लोरेशन जो हमें नज़र आते हैं दैट इज़ द इन्हांस्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके मतलब इन्हांस होती है? देर आर टू थिंग्स जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ द सेल्फ और दूसरी चीज़ हम जिसकी अवेयरनेस इन्हांस हुई है दैट इज़ द एनवायरमेंट। सो कई स्टडीज आपको नज़र आती हैं जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि वो इंडिविजुअल्स जो इंगेज होते हैं करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में वो अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं और अल्टीमेटली ज़्यादा बेहतर डिसीजन कर सकते हैं अबाउट करियर। इसी तरह की कई और स्टडीज़ जो हैं वो भी बताती हैं कि कई फॉर्म्स जो सी हैं करियर एक्सप्लोरेशन की कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल एक्वायर ड्यूरिंग जॉब सर्च प्रोसेस। और रिसर्च को फर्दर आगे लेकर चलें तो करियर एक्सप्लोरेशन के हवाले से ये पता लगता है कि करियर एक्सप्लोरेशन हेल्प कर सकती है आपके ऑक्यूपेशनल गोल्स को डिफाइन करने में, बनाने में। ऑल्दो इट इज़ लाइकली दैट द फोकस एंड द क्वालिटी ऑफ द एक्सप्लोरेशन रादर देन इट्स मेयर क्वांटिटी एंड फैसिलिटेट गोल सेटिंग। सो देखें कई कंडीशन इसमें आपको नज़र आती हैं कि आपके लिए एक्सप्लोरेशन डेफिनेट है, लाजिम है, जो आपको बेटर आउटकम दे सकती है। सो जो ऑक्यूपेशन डिफरेंट नज़र आते हैं उसमें डिफरेंट व्यूज़ हमें मिलते हैं रिसर्च के हवाले से कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो एक्सटेंसिव करियर एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सो कुछ स्टडीज़ की गई करियर एक्सप्लोरेशन प्रोसेस के हवाले से, वहाँ पर स्टीफन और उसके कोलीग्स ने ये देखा कि डिमॉन्स्ट्रेट ये किया कि यूजफुलनेस ऑफ करियर एक्सप्लोरेशन उन लोगों को जो कि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं उसमें उनका बेनिफिट नज़र आया। फाउंड क्या किया गया कि स्टूडेंट्स हु इंगेज इन एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन को जनरेट मोर जॉब इंटरव्यूज एंड ऑफर्स, ऑब्टेन हायर सैलरी ऑफर्स, डेवलप मोर रियलिस्टिक जॉब एक्सपेक्टेशंस। और करियर एक्सप्लोरेशन कैन ऑल्सो हेल्प पीपल डेवलप मोर एक्सटेंसिव करियर स्ट्रैटेजीज एंड परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इन जॉब इंटरव्यू। सो एज अ होल जो हमारे से जॉब का एक प्रोसेस नज़र आ रहा है जिसमें हमने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, हमने जॉब्स को सर्च किया, इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, हमारे जो जॉब्स से रिलेटेड बेनिफिट्स थे वो भी नस्बता ज़्यादा मिले। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो करियर एक्सप्लोरेशन कैन हेल्प पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। सो दोनों एस्पेक्ट में सेल्फ और एनवायरनमेंट के हवाले से आपको इसका बेनिफिट आता हुआ नज़र आता है। सो अभी देख लेते हैं कि ये अवेयरनेस है क्या, इसको पहले भी डिफाइन किया। सो अवेयरनेस इज रिलेटिवली कंप्लीट एंड एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ वन्स ओन क्वालिटीज एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन रेलिवेंट इन्वायरमेंट। सो दोनों एस्पेक्ट आपको नज़र आते हैं, इन्वायरमेंट भी और पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में बेहतर जानना, उसको हम क्या कह रहे हैं, अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस हमें किसकी तरफ लीड कर रही है? दीज आर टू थिंग्स, वन इज द गोल सेटिंग एंड द सेकेंड वन इज द करियर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। इफ वी आर बेटर अवेयर ऑफ आर सेल्व एंड द इन्वायरमेंट वी माइट बी इन अ बेटर कंडीशन जिसमें हम बेहतर गोल्स को सेट कर सकते हैं और बेहतर करियर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। सो हमने अपने मॉडल में भी इसी चीज़ की बात की थी कि ये चीज़ें हमें किस तरह से गोल सेटिंग और करियर स्ट्रैटेजी में बेनिफिट दे रही हैं, दैट यू कैन ऑल्सो वॉच इन लेक्चर नंबर 1। सो एट टाइम्स हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि हम जो गोल्स बना रहे हैं टू कीप देम द रियलिस्टिक वंस, इफ अगर हमारे पास क्या है, इफ एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ वॉट, दैट इज एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमारे लिए जब इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी और हमारे लिए फिर क्या हो गया, गोल्स को डिटरमाइन करना मुश्किल हो गया एंड देन उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को बनाना भी और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बेटर अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स टू
क्रिएट मोर रियलिस्टिक गोल्स। इसी को फर्दर आगे लेकर चलते हैं और ये बात करते हैं कि हमारे पास ऑलवेज देर आर ऑप्शंस जो हमें सेट करते हैं गोल्स के लिए और फिर उनके मुतल्लिक डिसीजंस की जाने। सो सपोर्ट फॉर दिस होल प्रोसेस जो हमने ये भी एक डायग्राम देखी, सेवरल सोर्सेज आपको इसकी सपोर्ट में नज़र आते हैं। रिसर्च ने क्या दिया कि वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने एक्सटेंसिव अवेयरनेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया अबाउट द वैल्यूज अबाउट द टैलेंट्स, उन लोगों में आपको एक मोर सेटिस्फाइंग ऑक्यूपेशनल गोल्स डेवलपमेंट नज़र आई। दे वर रिलेटिवली बेटर इन डेवलपिंग दीज गोल्स। वो बेहतर तौर पे सेल्फ और करियर के मुतल्लिक अवेयर थे और इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस जो है वो उसने इन्हेंस किया इस लाइकनेस को कि उनके करियर के प्लान्स जो हैं वो भी निस्बतन बेहतर अंदाज में बनते हुए नज़र आते हैं। सो इसी कंक्लूजन को हम लेते हुए आगे चलते हैं और बात करते हैं किसके ऊपर जी, करियर गोल्स के ऊपर। व्हाट इज अ गोल? गोल हम किसको कहते हैं? दिस टेल्स अस द एंड रिजल्ट जो कि हम डिजायर कर रहे होते हैं। जस्ट एक एग्जांपल जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी, अगर हम यहाँ पे अपना करियर एक सेल्स में स्टार्ट करते हैं एंड वी वॉन्ट टू एंड अप एज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो हमें ये प्रोग्रेस नज़र आ रही है। तो हम SPO से हम सीनियर सेल्स प्रमोशन ऑफिसर बनते हैं, फील्ड मैनेजर बनते हैं, रीजनल मैनेजर बनते हैं, जोनल मैनेजर बनते हैं और जोनल मैनेजर से मार्केटिंग मैनेजर चले जाते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजर टू बिकम माइट बी अ गोल और ये हमारा करियर पाथ बना और ये हमारे करियर ऑब्जेक्टिव्स बने जो कि हमें फैसिलिटेट करेंगे। सो व्हाट इज अ करियर गोल? अ करियर गोल इज डिजायर्ड करियर रिलेटेड आउटकम दैट अ पर्सन इंटेंड्स टू अटेन। सो गोल सेटिंग हमें किसकी तरफ लेकर जाती है? करियर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की तरफ। सो करियर गोल्स के हवाले से हम बात करते हैं कि मोस्ट कंसिस्टेंट रिसर्च फाइंडिंग्स जो आपको मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हवाले से कि एम्प्लॉइज हु आर कमिटेड टू स्पेसिफिक चैलेंजिंग टास्क एंड गोल्स आउट परफॉर्म दोज हु डू नॉट हैव गोल्स और हैव अ वीक कमिटमेंट टू एस्टैब्लिश द गोल्स। इंपॉर्टेंस किसकी नजर आई हमें? गोल्स की। और ये कंपैरेटिव स्टडी ये बताती है कि जिन लोगों ने गोल्स सेट किए उनकी अचीवमेंट टुवर्ड्स द गोल वाज फॉर बेटर देन दोज हु डिडंट हैड एनी गोल और डिडंट हैड अ क्लियर गोल इन देयर माइंड। सो एडवांटेजेस आपको करियर गोल के हवाले से नज़र क्या आते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी एफर्ट्स को डायरेक्ट कर सकता है, अपनी एफर्ट्स को फोकस कर सकता है टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक आउटकम जो वो चाह रहा होता है। जब आप एक गोल्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज आई वेयर आई वॉन्ट टू रीच और यहाँ पर मैं हूँ और मैं यहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ, तो देखें मैंने ये लाइन लगा दी कि दिस इज द पाथ दैट आई शुड फॉलो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस दूसरे तीसरे चौथे पाथ्स की से यहाँ पर पहुँचने के बजाय आर फोकस कैन रिमेन ऑन द स्पेसिफिक पाथ जो हमें वहाँ पर लेकर जाता है। जस्ट एक एग्जाम्पल जैसे हमने अभी सेल्स के हवाले से बात की थी। सो गोल्स की एक क्लियर कट आपको इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है एक इंडिविजुअल की लाइफ के हवाले से। कई राइटर्स जिनसे हैं उन्होंने मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कस भी किया कि गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। इफ़ यू रिमेंबर अ थ्योरी दैट वाज नेम्ड एज गोल सेटिंग थ्योरी, और इसमें भी ये बात की जाती है कि गोल्स वो जो कि पब्लिक किए जाते हैं, वो जो आपके कल्चर के मुताबिक होते हैं, उनकी तरफ आपकी कमिटमेंट टूवर्ड्स अचीव निस्बतन ज़्यादा होती है। और यहाँ पर डिफरेंट स्टडीज़ के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देयर इज अ लिटिल रिसर्च इन द एरिया ऑफ करियर गोल्स। वन स्टडी फाउंड दैट मैनेजर्स हु सेट स्पेसिफिक 1 to 2 years करियर गोल्स वर मोर ऑप्टिमिस्ट अबाउट देयर करियर्स देन मैनेजर्स हु हैड नॉट सेट अ स्पेसिफिक गोल। सो डिफरेंस हमें नजर आया। फर्दर मोर द मोर कमिटेड द मैनेजर वर टूवर्ड्स देयर गोल्स द मोर लाइकली दे वर टू डेवलप एन एक्सटेंसिव करियर स्ट्रैटेजी। अब देखें हमें एक लिंक नजर आया। जो लोग गोल बनाते हैं वो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं? दे आर मोर लाइकली कि वो स्ट्रैटेजी को भी डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ करियर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को जनरली डिफाइन करें तो हम स्ट्रैटेजी इज अ वे टू अचीव गोल्स, एक रास्ता, एक तरीकाकार जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो करियर स्ट्रैटेजी इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू हेल्प एन इंडिविजुअल अटेन अ करियर
गोल, देखें करियर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट हमें लेकर जाती है इंप्लीमेंटेशन की तरफ और इट विल फैसिलिटेट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल्स। सो करियर स्ट्रेटजी को हमने देख लिया, ये वो एक्शंस हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं। अब आपको कई ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती हैं जहाँ पे एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजिक प्लान नज़र आता है जो कि उनको इस काबिल बनाता है कि वो अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। सेम प्रिंसिपल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, एक इंडिविजुअल करियर मैनेजमेंट के ऊपर भी सेम आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और बहुत हद तक रिसर्च जो है करियर स्ट्रेटजीज कैन में आपको डिफरेंट उसमें ऑथर्स नज़र आते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये बेस करती हुई, रिसर्च के ऊपर बेस करती हुई नज़र आती है। सो देर आर डिफरेंट रेफरेंसेज विच आर गिवन विच आर वर्थ रीडिंग के जो हम तरीके का जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं जैसे जी एजुकेशन के ऊपर। सो एजुकेशन हायर एजुकेशन चले कर लेते हैं इज़ वन स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम अपने हायर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है तो उसकी लाइकलीनेस के वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है वो भी निस्बतन बढ़ती हुई नज़र आती है। सो यहाँ पर हमें देखें नज़र भी आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि रिसर्च हैज सॉट टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयज़ यूज और थिंक, और ये वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एम्प्लॉयज आपको यूज करते हुए नजर आते हैं। कॉम्पिटेंसी इन देयर प्रेजेंट जॉब, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्क इन्वॉल्वमेंट, इसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर भी करेंगे कि हम अपने काम में ज्यादा बेहतर इन्वॉल्व हों। डेवलपमेंट ऑफ द स्किल जैसे ट्रेनिंग के थ्रू, जॉब एक्सपीरियंस के थ्रू, अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट, आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई विजिबल असाइनमेंट्स लेते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप जैसे मेंटर्स ले लेते हैं, कोई स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, इमेज बिल्डिंग हो सकती है आपकी, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट आप बन के भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज विच कैन बी देयर और हम इसको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो फीडबैक है करियर अप्रेजल का उसके हवाले से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।